दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। नाबालिग छात्रा पर चार कंडक्टर का सामूहिक बलात्कार। नागपुर यहाँ के एक नाबालिग छात्रा पर सामूहिक बलात्कार करने का आरोप सामने आया है। महानगर पालिका के स्टार बस के चार कंडक्टर गए 7 माह से ये प्रकार चला रहे थे। इसके चलते मानकापुर पुलिस ने चारों भी कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी मूल रूप से पारशिवनी इट गांव के रहने वाले हैं, जो फ्लैट पर ऐसी घिनौने काम को अंजाम दिया करते थे। वो फ्लैट एक पुलिस अधिकारी का होकर उन्होंने किराए से लिया था, ऐसी बात सामने आई है। पीड़िता छात्रा 16 साल की होकर ये अत्याचार भी की छात्रा है। ये छात्रा सीतावर्डी के एक कनिष्ठ महाविद्यालय में पढ़ रही थी। वो स्टार बस से महाविद्यालय के लिए घर से आना जाना करती थी। उसकी पहचान जुलाई 2018 में एक स्टार बस कंडक्टर धर्मपाल मेश्राम से हुई। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए छात्रा को अतुल नाम बताया था। दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दिए। धर्मपाल इस कंडक्टर ने छात्रा को कोराडी मार्ग पर स्थित एलेक्सिस हॉस्पिटल के पास पूजा रेसिडेंसी के आशीष लोखंडे नामक कंडक्टर इसके फ्लैट पर लेकर गया। दोनों ने फ्लैट किराए से लिया था। धर्मपाल ने छात्रा पर इस फ्लैट में कई बार अश्लील हरकत की। लगभग एक महीने तक धर्मपाल ने उस फ्लैट पर छात्रा से बलात्कार किया। इसके चलते कंडक्टर ने अपने दोस्तों को बुलाकर सामूहिक बलात्कार किया। ऐसे में छात्रा ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके चाइल्ड लाइन इस संस्था के सामने पूरी बात रखी। इसके चलते बाल अत्याचार संरक्षण अधिनियम अनुसार उन कंडक्टर पर आरोप दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।